13 नीति के दोहे। नीति के दोहे पद्य दोहे की कवि रहीम जी का जन्म लगभग 1593 में और निधन सन 1926 में हुआ। रहीम का पूरा नाम अब्दुर रहीम खान खाना था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम संस्कृत अरबी फारसी के विद्वान थे। प्रथम दोहे में परहित की भावना, दूसरे दोहे में सही संबंध की रीत और सच्चा प्यार, तीसरे दोहे में छोटी चीज का महत्व, चौथे दोहे में सही दीन बंधु की बात की गई है, पांचवें दोहे में कड़वे वचन बोलने वाले की स्थिति का वर्णन है, छठवें दोहे में उत्तम व्यक्ति की प्रकृति, सातवें दोहे में बिगड़ी हुई बात को छोड़ देने की, आठवें दोहे में धैर्य का महत्व तथा अंतिम दोहे में किसी से मांगना नहीं चाहिए इस बात को उद्धृत किया गया है। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरवर पियै न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सुच ही सुजान, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसोटी जे कसे तई साचे मीत, रहीम न देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहाँ कर तरवारी, दिन सब न को लखत है दिन ही लखे न कोय, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होय, खीरा को मुँह काट के मलियत नोन लगाय, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाय, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपट रहत भुजंग, बिगरी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन बिगर दूध को मथे न माखन होय, रहीमन विपदा हूँ बली जो थोर दीन होय, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय, रहीमन वे नर मर चुके जे कहु मांगन जाई, उनसे पहले वे मुए जिन मुखन का सतनाही। समझूती पहली पंक्ति। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियहि न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सुचहि सुजान। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि पेड़ कभी भी अपने फल नहीं खाते हैं और ना ही सरोवर कभी अपना पानी पीते हैं। इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष परोपकार के लिए ही धन संपत्ति का संग्रह करते हैं। दूसरी पंक्ति। कहीं रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचेमित। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास संपत्ति होती है तब लोग तरह तरह से उसके सगे बने रहते हैं, उससे रिश्ते जोड़ लेते हैं, लेकिन सच्चे मित्र तो वे हैं जो विपत्ति के समय साथ देते हैं और उन्हें अकेला नहीं छोड़ते। तीसरी पंक्ति। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुरी कहां करे तरवारी। यहां रहीम जी कहते हैं कि बड़ों को देखकर हम छोटों की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, जो काम सुई करती है क्या वह तलवार कर सकती है। चौथी पंक्ति। दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि असहाय और गरीब लोग आशा भरी नजरों से सबको देखते हैं, पर उनकी ओर कभी कोई नहीं देखता, उन पर कोई दया दृष्टि नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति असहाय और गरीबों पर दया दृष्टि करता है वह सचमुच भगवान के समान होते हैं। पांचवी पंक्ति। खीरा को मुंह काटी के मलियत नोन लगाए, रहीमन करुए मुखन की चाहिए यही सजाए। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि खीरा को खाने से पहले उसका सिर काटकर अलग कर देना चाहिए, फिर उसके कटे भाग पर नमक मलना चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि कड़वे मुख वालों को यही सजा मिलनी चाहिए, इस अपराध का यही दंड है। छठी पंक्ति। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। यहाँ रहीम जी कहते हैं कि उत्तम स्वभाव वाले लोग बुरी संगति में रहते हैं फिर भी उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार जैसे भयंकर विष वाले सांप चंदन के पेड़ से लिपटे रहते हैं परंतु चंदन में उनका विष कभी भी नहीं फैलता है।
सातवीं पंक्ति, बिगरी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन बिगर दूध को बथे न माखन होए। यहां रहीम जी कहते हैं कि बिगड़ी बात लाख प्रयत्न करने पर भी सुधर नहीं पाती, ठीक उसी तरह जैसे फटे दूध से जमाए गए दही को कितना भी मथा जाए उसमें से मक्खन नहीं निकलता। आठवीं पंक्ति, रहीमन विपदा हु बली जो थोरे दिन होए, हित अनहितिया जगत में जानी परत सब कोए। इसी पंक्ति में रहीम जी कहते हैं कि यदि आपत्ति थोड़े समय के लिए आती हो तो अच्छी बात है, क्योंकि उस थोड़े से समय में ही हम समझ जाते हैं कि कौन हमारा हितकारी है और कौन अहितकारी है। नौवीं पंक्ति, रहीमन वे नर मर चुके जे कहूं मांगन जाही, उनसे पहले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। यहां रहीम जी कहते हैं कि वे मनुष्य तो मरे हुए हैं जो दूसरों के दरवाजे पर मांगने जाते हैं, परंतु उनसे भी पहले वह मर गए हैं जिनके मुख से नहीं शब्द निकलता है, जो मांगने वालों को देने से इनकार कर देते हैं।